हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट्स विद टैली। फ्रेंड्स, टैली में बहुत सारे वर्जन है और हमने ढेर सारे वर्जन का नाम भी आपको बताया था, जैसे कि टैली में 4.7, 9.1 वगैरह ढेर सारे वर्जन्स हमने आपको बताए थे। और टैली का एक वर्जन है यहाँ पे टैली 9 एंड टैली ईआरपी 9। आजकल की अक्सर कंपनियां टैली ईआरपी 9 में वर्क कर रही है। ये तब से स्टार्ट हुआ है जब से जीएसटी लागू हुआ, गुड्स सर्विस टैक्स। और जब से गुड्स सर्विस टैक्स लागू हुआ है तब से लेके आज तक टैली ईआरपी 9 सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और उससे पहले हम टैली 9 में वर्क करते थे। तो आइए हम जाने टैली ईआरपी 9 क्या है और टैली 9 क्या है, इन दोनों के डिफरेंट को। जैसे कि हम टैली 9 ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी हमने एक कंपनी बना रखी है। कंपनी इन्फो में यहाँ पे है सिलेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी, क्रिएट कंपनी वगैरह जो भी है, चेंज टैली वैल्यू, स्पिल्ड कंपनी, डाटा बैकअप, रीस्टोर, क्विट, ये सारे ऑप्शन टैली ईआरपी 9 में भी है कंपनी सिलेक्ट करते वक्त। तो इसका जो कलर है वो टैली 9 के कलर से अलग है। इसका कलर व्हाइट आता है टैली 9 का, एंड टैली ईआरपी 9 का ये बॉक्स का कलर ग्रीन आता है। और अब हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। तो ये टैली ईआरपी 9 का गेटवे ऑफ टैली का बॉक्स है और यहाँ पे हम देख सकते हैं मास्टर्स के ऑप्शन में अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फोस, ट्रांजैक्शंस में है अकाउंटिंग भाउचर, इन्वेंट्री भाउचर, यूटिलिटीज में है इंपोर्ट डाटा, बैंकिंग रिपोर्ट्स में है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले। यही यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ मास्टर्स में हम सिर्फ देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फो, यहाँ पे इन्वेंट्री की कोई चर्चा नहीं है। ट्रांजैक्शंस में देख रहे हैं अकाउंटिंग भाउचर्स, यहाँ पे इन्वेंट्री भाउचर्स की कोई चर्चा नहीं है। इंपोर्ट में हम देख रहे हैं सिर्फ इंपोर्ट डाटा और बैकअप एंड रीस्टोर, एंड बैंकिंग की कोई चर्चा यहाँ नहीं है। एंड रिपोर्ट्स में है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस एंड डिस्प्ले क्विट जो भी होता है वो। एंड वापिस हम देखें टैली ईआरपी 9 में तो यहाँ पे जो है बैंकिंग वगैरह ये सब, अगर हम बैंक वगैरह में जॉब करते हैं तो हमें टैली ईआरपी 9 में वर्क करना होगा, ना कि टैली 9 में। अब एक बात और बताएं, टैली 9 में जब हम डेट चेंज करते हैं तो ये डेट बगैर परचेज किए ये डेट चेंज होते जाता है। देखिए, हमने जो भी डेट डाला वो बगैर दिक्कत के यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि टैली 9 में हमें डेट परचेज नहीं करना पड़ता है। अगर हम टैली ईआरपी 9 में वर्क कर रहे हैं तो हमें यहाँ भाउचर्स में एंट्री के लिए डेट परचेज करने होंगे। दूसरी बात कि जब हम आएंगे फीचर्स पे, मान लीजिए हमारे F11 प्रेस किया टैली में और फीचर्स के बॉक्स पे आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, एस्टेट्री एंड टैक्सेशन फीचर एंड ऐड वन फीचर्स, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। बट टैली 9 में ये ऑप्शंस हमें नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जब हम F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ हम बस दो फीचर्स मिलेंगे, एक अकाउंटिंग फीचर्स और दूसरा एस्टेट्री एंड टैक्सेशन फीचर। तो जाहिर सी बात है कि फीचर्स भी दो ही चीज के एक्टिवेट होंगे, वो भी सिर्फ अकाउंटिंग के। तो जब हम अकाउंटिंग का फीचर्स एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ खास ऑप्शंस वगैरह नहीं है, बस यूज डेबिट क्रेडिट नोट, इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट, अलाउ मल्टी करेंसी, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट है, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट है, अदर फीचर्स एंड बजट एंड सीक्रेट मैनेजमेंट है। अगर यही हम टैली ईआरपी 9 में देखें अकाउंटिंग फीचर्स में तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम जनरल, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, इनवॉइसिंग, बजट एंड शेयर मैनेजमेंट, बैंकिंग फीचर्स, अदर फीचर्स, ढेर सारे हैं। तो टैली ईआरपी 9 में वर्क करना काफी आसान होता है।
यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स है। इन्वेंट्री फीचर्स इसमें इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल कैसे भेजना है, इन सब की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर, रजिस्ट्रेशन, रिजेक्शन नंबर, मटेरियल, कॉस्ट ट्रैकिंग, कॉस्ट सेंटर की मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, स्टॉक कैटेगरी, बैच बाय बैच डिटेल्स, एक्सपायरी डेट डालना, आई मीन ढेर सारा वर्क टैली ईआरपी 9 में। और ये टैली ईआरपी 9 में हम देखेंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जब हम इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इसमें अवेलेबल है, वैट भी है एंड टीडीएस भी है, टीसीएस भी है, बट यही ऑप्शंस हम देखेंगे टैली 9 में स्टेटरी एंड टैक्सेशन में तो यहाँ पे हमें नहीं दिखेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वैट दिखेंगे, टीडीएस दिखेंगे, टीसीएस दिखेंगे, एफटीएस, एफवीटी दिखेंगे। और यहाँ इस टैली 9 में हम जीएसटी का वर्क तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस ही नहीं है। वापिस हम स्किप की से बाहर आए और यहाँ पे हम ना ही इन्वेंट्री का कोई वर्क कर सकते हैं, ना ही स्टॉक बना सकते हैं, ना ही गोडाउन बना सकते हैं, ना ही हम इन्वेंट्री की कोई वाउचर्स कर सकते हैं इसमें। फिर हम स्किप की से बाहर आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे बस कुछ ही ऑप्शन है। अकाउंट्स इन्फो में हम सिर्फ ग्रुप, लेजर, कॉस्ट सेंटर, वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री की तो खैर कोई चर्चा ही नहीं है। अकाउंटिंग वाउचर्स टैली 9 में वो सारे वाउचर्स अवेलेबल है जो कि टैली ईआरपी 9 में भी अवेलेबल है, यानी कि जैसे कि हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स पे, यानी कि पेमेंट की वाउचर, कॉन्ट्रा की वाउचर, रिसीप्ट की, जर्नल की, सेल्स की, परचेज की, रिजर्विंग जर्नल की, सारी वाउचर्स, और ये हमें टैली 9 में भी मिलेंगे। हाँ, हम देख सकते हैं पेमेंट की, कॉन्ट्रा की, रिसीप्ट की, जर्नल की, सेल्स की, परचेज की। तो जाहिर सी बात है कि टैली 9 में हम जितना वर्क नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा वर्क हम टैली ईआरपी 9 में कर सकते हैं। टैली ईआरपी 9 में हम टैली 9 का भी वर्क कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट्स इन्फो का भी, इन्वेंट्री का भी वर्क कर सकते हैं, साथ में अकाउंटिंग वाउचर्स का भी वर्क कर सकते हैं एंड इन्वेंट्री वाउचर्स का भी वर्क कर सकते हैं। इम्पोर्ट डाटा तो करेंगे ही और यहाँ पे बैंकिंग का भी सारा नॉलेज हमें मिल रहा है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो, डिस्प्ले वगैरह जो भी है। और तो और हम टैली ईआरपी 9 में एक कंपनी से दूसरे कंपनी में डाटा को बैकअप भी करते हैं, रीस्टोर भी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं हम जनरल, न्यूमेरिकल, जो भी कॉन्फ़िगरेशन जिस चीज़ की हमें ढूंढनी हो वहाँ से हम यस नो करके देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस में हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, यस करना, नो करना बताया, फीचर्स एक्टिवेट करना बताएं, और जैसे कि टैक्सेशन वगैरह में तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आएंगे तो टैली 9 में हम सिर्फ टीडीएस, टीसीएस एंड बैट की एंट्री करते थे, बट यहाँ पे एक जीएसटी भी है जो कि अभी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। फ्रेंड्स, आपने सीखा टैली 9 एंड टैली ईआरपी 9 में डिफरेंट, ढेर सारे डिफरेंट हैं। तो हमें किसी भी कंपनी में वर्क करने जाना होगा तो टैली ईआरपी 9 पे ही वर्क करना होगा। और हमने इसमें ढेर सारा आपको बताया, फीचर्स एक्टिवेट करना, डेट करना, और टैली में डेट हमें परचेज करना पड़ता है ईआरपी 9 में, जिससे कि हम डेट आगे या फिर पीछे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको डाउट है टैली 9 और टैली ईआरपी 9 में कि किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारी डीवीडी परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।